26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को मनाने के भाग रूप आम आदमी पार्टी द्वारा आज शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 26 जुलाई आज विजय कारगिल दिवस को मनाने के भाग रूप वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी द्वारा शहर के शहीद भगत सिंह चौक विस्तार में श्रद्धा सुमन अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष के तौर पर भी जाना जाता है, जो ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई और जुलाई महीने में कश्मीर के कारगिल जिला में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास हुआ था। भारत के ये संघर्ष ऑपरेशन में विजय प्राप्त करते हुए कारगिल क्षेत्र में घुसनखोरों से मुक्त करने के लिए भारतीय ऑपरेशन नाम रखा गया था, जो ये युद्ध के दौरान भारतीय भूमि सेना के साथ संयुक्त रूप से काम करती भारतीय वायुसेना का उद्देश्य पाकिस्तान की भूमि सेना पर नियमित और अनियमित सैन्य को भारतीय विस्तार से नियंत्रित रेखा से बाहर लाना था, जो ये ऑपरेशन का कोडनेम ऑपरेशन सफेद सागर भी रखा गया था। जहां आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को मनाने के भाग रूप वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी द्वारा कारगिल योद्धा तथा शहीदों की शान में आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज हमें यहाँ आम आदमी पार्टी कार्यों के साथ एकत्रित थया छे। आज कारगिल विजय दिवस, जे कारगिल युद्ध पछी विजय मळ्यो ते आज नो दिवस छे। અમે અહીંયા કારગિલ વિજય દિવસ અને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા એકત્રિત થયા છીએ। જે કારગિલ યુદ્ધમાં જે લોકો શહીદ થયા હતા, જે તેમના માટે અમે આજે ફૂલહાર ચડાવી અને શુભકામનાઓ માગી છે, તથા જે વિજય ઉજવણી તેના માટે આજે અમે પેંડા અને મીઠાઈ વેચી અને બરોડાની લોકલ પબ્લિક, આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો તથા બધા સાથે મીઠાઈ વેચી અને ઉજવણી કરી છે। અમારા માટે આજે બેવ દિવસ, શહીદ દિવસ ગણો કે વિજય દિવસ ગણો, મૂળ કારગિલ વિજય દિવસ તરીકે આજે અમે એને ઉજવ્યા છે। અશોક ઓઝા, આમ આદમી પાર્ટી વડોદરા શહેર પ્રમુખ।